अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग वेजिटेबल फिश बनाने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास फिश है, इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था, तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अच्छी तरह से कोई भी आप फिश का अच्छा सा जो है वो शान का मसाला या नेशनल का मसाला ले लें आप, इसको अच्छी तरह से लगा दिया है मैंने। और उसके बाद मेरे पास 3 फ्रेश टमाटर हैं और यहाँ पे ग्रीन चिल्ली है, लहसुन अदरक, उसके बाद 1 प्याज और यहाँ पे मेरे पास ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ी है जो कि इसका आपने पूरा लीव लेना है, इसको काटना नहीं है। अच्छी तरह से इसको मैंने वॉश किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, मिट्टी होती है इसके साथ। तो उसके बाद अभी हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मेरे साथ है ये, और देखिए मैंने ये फ़िश कैसे बनाई। ये कश्मीरी डिश है, कश्मीरियों की स्पेशल डिश है, तो इसको मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी, तो आप मेरे साथ रहिए और देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया, ऑयल को मैं अच्छी तरह से गर्म करूंगी। आपने फिश को सबसे पहले फ्राई करना है, ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें मैं एक एक करके फिश के पीसेस डालती जाऊंगी और आंच को थोड़ा सा मैंने मीडियम कर लिया है, मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई करूंगी और बाकी चीज़ों की भी मैं तैयारी कर लूंगी। वेजिटेबल्स को जो मैंने आपको दिखाई है उसको मैंने कैसे बनाना है, तो साथ साथ फिश को भी मैं देख रही हूँ। और प्याज मैंने यहाँ पे ऑयल में डाल दिया है और जो लहसुन अदरक मैंने आपको दिखाई थी उसका मैं पेस्ट बना लूँगी। और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। आई होप आज की मेरी वीडियो और आज की रेसिपी मेरी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और आप ही ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ेदार सी होती है और ज़्यादातर ये कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा फेमस है ये डिश। यहाँ पे प्याज को मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं किया था, बस सौते किया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल के अब टमाटर सॉफ्ट कर लूँगी और फिश भी मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मैंने यहाँ पे इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया, अगर आप चाहें तो आप रेड चिली पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक पेपर इसलिए लिए कि फिश के साथ जो मैंने मसाला वगैरह लगाया तो वो काफ़ी जो स्पाइसी था, तो इसलिए बच्चों ने खानी है तो फिर इसलिए ज़्यादा वो हो जाता है, तो इसलिए मैंने ब्लैक पेपर ही थोड़ी सी ऐड की है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, नमक वगैरह जो जो भी मसाले आप सब्ज़ी में डालते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी, अब मैंने वो ऐड किए हैं। और उसके बाद अब सब्ज़ी को डाल दिया मैंने, और मैं सब्ज़ियों में ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती, मुझे उनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं सब्ज़ी में पसंद, क्योंकि सब्ज़ी का जो अपना टेस्ट होता है फिर वो ज़्यादा मसाले डालने से वो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आप चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मसाला आप थोड़ा सा आप टेस्ट के लिए डालना चाहें तो डाल भी लें कोई भी मसाला आपको जो पसंद हो। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से कवर करके थोड़ा सा कुक करूँगी, इसका जो सब्ज़ी का अपना पानी है इसी के अंदर इसको मैंने कुक करना है, बहुत ज़्यादा मैंने सब्ज़ी को यहाँ पर गलाना नहीं है, बस इसी पानी के अंदर ही इसको जो है ना वो कुक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है वो मसाला टेस्ट के लिए थोड़ा सा जो है बिल्कुल कम सा वो इसमें ऐड किया है,
और देखें इसी जो सब्ज़ी ने पानी छोड़ा है इसी पानी के अंदर ही इसको मैं कुक करूँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा सब्ज़ी को गलाना नहीं है, बस इसको थोड़ा थोड़ा ही गलाना। और उसके बाद इसके अंदर मैं जो फ्राई की हुई डिश है वो मैं ऐड कर रही हूँ। और फ्लेम को बिल्कुल मैंने यहाँ पे लो कर दिया, लो फ्लेम करके उसके बाद ही हमने फिश को इसके अंदर शामिल करना है। और जब आपने इसको पलटना है तो बहुत आराम से पलटिएगा ताकि ये फिश टूटे ना। और माशाल्लाह से बिल्कुल हमारी डिश तैयार है, तो आप इसको गर्मा गर्म रोटी नान के साथ सर्व करें। गाइस यहाँ पे मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। तो आई होप आज की मेरी जो रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ आप सब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए, और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो अल्लाह हाफिज़, बाय।